जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला, अब उसी से पाक को खतरा महसूस हो रहा है। अफगानिस्तान की ओर से लगातार हो रहे हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन हमले बंद होने का नाम नहीं ले रहे। इससे पाकिस्तान परेशान होकर अब यूएन में मदद के लिए अपना झोला फैलाने पहुंचा है। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जिस तालिबानी शासन के आने पर जश्न मनाया, आज वही पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। एक वक्त था जब पाक प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के गुणगान करते नहीं थक रहे थे, और आज वही इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान से छुटकारा पाने के लिए मदद की भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हो रहे हमलों से तंग आ चुका है। ऐसे में अब पाक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उन मास्टरमाइंड्स को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया जो अपने क्षेत्र में सीमा पार आतंकवादी हमलों का समर्थन करना जारी रखते हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधि उमर सिद्दीकी ने संयुक्त राष्ट्र से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले करने के लिए न किया जाए। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई हमले हुए। पिछले 3 हमलों में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए। इसके साथ ही सेना के एक अधिकारी की भी मौत हो गई। लेकिन इतना होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अफगानिस्तान और भारत के अच्छे हो रहे संबंध इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो इन हमलों का ठीकरा भी पाकिस्तान ने भारत पर ही फोड़ दिया। पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने इन हमलों के बाद कहा था कि बलूचिस्तान में हमले करने वाले अफगानिस्तान और भारत आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसे हमने इंटरसेप्ट किया था। यहाँ भी पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आया। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अगस्त 2021 में कब्जा किया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में हमलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। तालिबान के तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने हाल के महीनों में कई हमले किए। इन हमलों को लेकर तालिबान लगातार पाकिस्तान को आश्वस्त तो करता आया, लेकिन तालिबान की ओर से मुल्क में सक्रिय आतंकी संगठन TTP पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही TTP ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किए जाने की भी मांग की, जिस पर पाकिस्तान की जनता के विरोध के बाद इमरान खान ने इनकार कर दिया। तालिबान TTP के जरिए पाकिस्तानी सेना से अपने बंदी बनाए गए लड़ाकों को छोड़ने के लिए कह रही है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसकी मांगे खारिज करता जा रहा है। ऐसे में तालिबान TTP के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, जिससे पाकिस्तान तंग आकर अब UN में मदद की भीख मांगने पहुँचा है। पाकिस्तानी सेना कई सालों से TTP से लड़ रही है। एक तरफ तो कंगाल पाकिस्तान में पहले ही हालात खराब हैं, और अब तालिबान भी उसके लिए नासूर बनता जा रहा है। इमरान खान को जहां ये उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद उसकी जमीन से हो रहे हमले थम जाएंगे, वहीं तालिबान कई मांगे पूरी ना होने पर अब TTP के जरिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, जिसकी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।